मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को भटहट ब्लॉक के पिपरी में आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियां अच्छे से हों, इसमें कोई कमी नहीं आने पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूरबीन से पूरे स्थल का गहन मुआयना किया। मानसून के मौसम में वहां पानी लगा देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कार्यक्रम स्थल से पानी की निकासी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने शिलान्यास समारोह को लेकर तैयार किए गए कार्य योजना का भी अवलोकन किया और कहा कि समय से पूर्व सभी तैयारियां पूरी की जाएं। गौरतलब है कि गोरखपुर के भटहट ब्लॉक के ग्राम पिपरी व तरकुल्हा में 52 एकड़ भूमि पर बनने जा रहे राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय में एक ही परिसर में आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और योग चिकित्सा की पढ़ाई और उस पर शोध कार्य होगा। इन विधाओं से यहाँ चिकित्सा भी उपलब्ध रहेगी। प्रदेश के आयुष विधा के 98 कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे। इस विश्वविद्यालय में आयुष इंस्टीट्यूट व रिसर्च सेंटर भी होगा। विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 299.87 करोड़ रुपए की DPR कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग ने बनाई है। गोरखपुर में इस विश्वविद्यालय के खुलने से पूर्वांचल की जनता को चिकित्सा का एक और बेहतर विकल्प मिलेगा। विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य तय है, जिसका शिलान्यास 28 अगस्त को महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों प्रस्तावित है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर CDO इंद्रजीत सिंह, SDM सदर कुलदीप मीणा, पिपराइच के विधायक महेंद्रपाल सिंह सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।